और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ईरानी राष्ट्रपति से जुड़ी, जहां पर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। रईसी की मौत की आधिकारिक घोषणा, रईसी की मौत पर शोक संदेश भी पढ़ा गया। हादसे में ईरान के विदेश मंत्री की भी मौत हो गई। अजरबैजान से वापस लौट रहे थे इब्राहिम रईसी, इस हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति रईसी की मौत हो गई। ये वही क्षेत्र है जहां पर ड्रोन्स ने स्पॉट किया जलते हुए मलबे को। ये वही मलबे की तस्वीरें हैं जो हेलीकॉप्टर यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तीन हेलीकॉप्टर थे जिनके जो इब्राहिम रईसी के काफिले में थे। दो हेलीकॉप्टर तो वापस लैंड कर गए, लेकिन एक हेलीकॉप्टर जिसमें रईसी और उनके विदेश मंत्री मौजूद थे वो दुर्घटना का शिकार हो गया। 9 लोग इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे जिसमें गार्ड्स और पायलट भी मिलाकर थे, और ये सभी दुर्घटना का शिकार हो गए। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत, हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। रईसी की मौत की आधिकारिक घोषणा भी ईरान की तरफ से कर दी गई है। उनकी मौत पर शोक संदेश पढ़ा गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इब्राहिम रईसी की, इस वक्त देख पा रहे हैं आप, इस वक्त उसी हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिस हेलीकॉप्टर में वो मौजूद थे। भारत की तरफ से भी संदेश आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी उनकी नज़र है। उन्होंने लिखा कि भारत ईरान के संबंधों में इब्राहिम रईसी का बड़ा योगदान रहा और उनकी मौत पर, उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई है इब्राहिम रईसी, जो कि राष्ट्रपति थे ईरान के। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, कई सवाल इससे उपज रहे हैं, वो सवाल हम आपके सामने रखेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अब जो वर्तमान हालात है उसमें ईरान ने इस बात को ऑफिशियली मान लिया है कि उनके राष्ट्रपति का निधन हो चुका है इस दुर्घटना में। मेजर मोहम्मद अली शाह भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं जैसी जानकारी मुझे मिल रही है। मैं पहला रुख संजीव जी आपका करना चाहूँगा। बदलती परिस्थितियों में अब ईरान के राष्ट्रपति का निधन हो चुका है, हालात पिछले कुछ दिनों से ईरान और आसपास के किस तरीके के हैं बताने की आवश्यकता नहीं है, सारा विश्व इन समाचारों को जानता और समझता रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के भी दौरे पर आए थे, वो अलग अलग देशों के दौरे पर जा रहे हैं, ईरान के लिए समर्थन जुटाने की भी कोशिश कर रहे हैं और ईरान के संबंधों को नज़दीक लाने की भी कोशिश। अब क्या स्थितियां पैदा होंगी मिडिल ईस्ट में? देखिए, ये अवश्य है कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी लगातार डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स ले रहे थे, मनुवर्स ले रहे थे, और जिस तरीके का जो एक कूटनीतिक और सामरिक संकट ईरान वर्तमान समय में फेस कर रहा है, और जैसा कि उसके ऊपर इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा काफ़ी बड़ा दबाव बना करके रखा गया है, उसको डील करने के लिए वो अपने मिडिल ईस्ट रीजन के, और यहाँ तक कि उन्होंने अभी हाल के समय में पाकिस्तान की भी यात्रा की थी और अपने वो संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ इस बात की भी रिपोर्ट्स थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के ज़्यादा प्रोएक्टिव हो सकता है, और इस संदर्भ में भी ईरान के जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जो एक हार्ड लाइनर की इमेज रखते थे, उनके द्वारा इस बात की भी संभावना जताई जा रही थी कि न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में भी कोई बड़ा स्टेप लिया जा सकता है। और जाहिर है कि इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ तो जो वर्तमान समय में अगर ईरान की संबंधों की बात करें तो ये काफ़ी तनावपूर्ण संबंध है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर जिस तरीके की चुनौतियां ईरान फेस कर रहा था,
उसको बेटर तरीके से, बेहतर तरीके से डील करने के लिए इब्राहिम रईसी के द्वारा अनेक कोशिशें की जा रही थी, और जाहिर है कि इन कोशिशों पर, इनकी उनके इनिशिएटिव्स पर इसराइल की पूरी नज़र थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी क्लोजली मॉनिटर इन सारी स्थितियों को कर रहा था, और जाहिर है कि ईरान की पल पल की जो गतिविधियों के बारे में वहाँ पर इसराइल के द्वारा, और जैसा कि मैंने कहा अमेरिका के द्वारा, उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है। और ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ईरान की जो वर्तमान समय में जो चुनौतियाँ थी वो काफ़ी बड़ी थी, और उसको वो राष्ट्रपति रईसी डील करने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से, जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि आज जब उनकी मृत्यु हो चुकी है और इस तरीके के हादसे में एक मृत्यु हुई है, तो ऐसे में ईरान की जो पूरी एस्टेब्लिशमेंट है वो एक गहरे तरीके से, इनडेप्थ तरीके से इसे इन्वेस्टिगेट करेगी, और सभी पहलुओं की, सभी आशंकाओं के ऊपर जो है जांच की जाएगी। किसी भी तरीके की आशंका को रूल आउट नहीं किया जा सकता, और ये हादसा भी हो सकता है, टेक्निकल स्नैक, मौसम की खराबी इत्यादि कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई अन्य तरीके की जो सबोटाज या मेजर अनुज माथुर, इस पूरे हादसे को, हमारे दर्शक, हमारे पास कुछ मैसेजेस भी आते रहे, और इससे पहले भी जब चर्चा आपके साथ की थी तो कई दर्शक इसको सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन और इस हेलीकॉप्टर क्रैश को एक तरीके से देख रहे हैं। हालात भी वहाँ नॉर्दर्न ईरान में कोहरे जैसे हैं, जो तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की, तो करीब करीब पहाड़ियों का इलाका, वही कोहरे जैसे हालात, ज़्यादा चांसेस आपको क्या लगते हैं जनरल माथुर? देखिए, सबसे बड़ी बात हम समझने की ये है कि जब भी कोई इस प्रकार का हादसा होता है तो कोई ना कोई तार कहीं ना कहीं से जुड़ते हैं। जब सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तब लोगों का ध्यान सीडीएस की टफ चाइना, एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान पॉलिसीज की वजह से उस तरफ गया था। लेकिन इस प्रकार के जो टेरेन होती है, मैं सुबह भी आपको बताने का प्रयास कर रहा था, यहाँ पर हेलीकॉप्टर फ्लाइंग बहुत मुश्किल काम होता है। आप देखेंगे जहां बहुत तेजी से मौसम बदलता है, मैं वेलिंगटन में रहा हूं कुछ वर्ष, वहां पर मौसम बहुत तेजी से बदलता है, 10 मिनट में आपका ऑब्जर्वेशन, आपका आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है वहां से। तो इसी प्रकार का मौसम वहां था, बहुत गहरे जंगल थे, और जो और सुनने में आया है कि वहां उनके पहाड़ी के बिल्कुल बॉटम में, जहां शायद पहाड़ी से टकराया है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। देखिए, इसमें तीन बातें हैं। पहली बात, ये बहुत पुराना जहाज है, टेक्नोलॉजिकली बहुत, एवियोनिक्स जो है इसके बहुत उतने एडवांस्ड नहीं है, कितना भी बेहतर पायलट हो, अगर मशीन बहुत ज्यादा ठीक नहीं है तो उसमें कोई टेक्निकल स्नैक हो सकता है, पहली बात। उसके अलावा ये अमेरिकन इक्विपमेंट है, तो कहना ये कुछ, ये भी बात कही जा रही है कि शायद इनकी मेंटेनेंस में भी थोड़ी बहुत इश्यूज थे, लेकिन मैं ये बात इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि जो राष्ट्रपति के लिए अगर आप कोई जहाज भेज रहे हैं तो उसमें कोई इस प्रकार का चांस लेने के चांस नहीं है। लेकिन आप क्योंकि रूल आउट नहीं करने की है इसलिए है, लेकिन सुबह जो मैं बता रहा था आपको वो भी चांसेस इस बात के हैं कि ये हादसा है, लेकिन हादसे का टाइमिंग बहुत गलत है। ईरान किस प्रकार से नए वर्ल्ड ऑर्डर में इन्वॉल्व हो रहा है, ईरान किस प्रकार से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में परोक्ष रूप से मिला हुआ है, किस प्रकार से ईरान ने मिडल ईस्ट में पूरा अपना झोंक रखा है अपने प्रॉक्सीज को, और उसका जो इनहेरेंट इंटेंशन है इस्लामिक वर्ल्ड को का सरताज बनने की, वो बहुत जबरदस्त चीज है। एकदम आप सही बात आप उठा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वही वजह है कि वो न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से न केवल न्यूक्लियर पावर लेकिन इस्लामिक कंट्रीज का सरबरा या सरदार बनने की ईरान ने कोशिश की है, खुद को लीडर दिखाने की कोशिश की है और अमेरिका से सीधा टकराव लिया है। मेजर शाह, क्या क्या ये सारे फैक्टर्स इस हादसे के पीछे काउंट किए जाएंगे? जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी और इन्वेस्टिगेशन शुरू भी हो गई होगी, लेकिन जैसा कि अभी मेजर जनरल अनुज माथुर साहब ने जिक्र किया कि एक राष्ट्रपति के लिए एक ऐसा हेलीकॉप्टर, एक ऐसी मशीन देना जो अब दोयम दर्जे की हो गई हो, क्या ये भी काउंट नहीं किया जाना चाहिए? जी, जनरल अनुज माथुर ने बिल्कुल सटीक एनालिसिस दिया है अभी, और मैं ये कहूंगा कि देखिए, मैं नहीं मानता कि कहीं पे भी किसी भी हेड ऑफ स्टेट को एक रिडंडेंट इक्विपमेंट दिया जाएगा। ऐसा लगता नहीं कि हमेशा अवन दर्जे का टॉप मोस्ट जो बेस्ट वहां पे होता है अवेलेबल,
वो मिलता है, और मौसम की खराबी नेचर का किसी पे भी कंट्रोल नहीं है। मौसम की खराबी अगर हुई मैं ही कह रहा हूँ, तो उसके में ना पायलट ना पैसेंजर ना कुछ काम उसके आगे आती है नहीं। अब ये 30 विमान थे, हेलीकॉप्टर जहाज जिनको बोलेंगे, 30 हेलीकॉप्टर, 3 हेलीकॉप्टर थे, 2 तो आ गए अपनी जगह, एक वहां से हटक गया, भटक गया, और ईस्ट अजरबैजान जो के अजरबैजान जो के प्रोविंस यानी कि वो ईरान का ही हिस्सा है, लेकिन उसको कहा जाता है ईस्ट अजरबैजान, जैसे कि अजरबैजान एक अलग कंट्री हुई, ईस्ट अजरबैजान एक प्रोविंस हुआ, तो वहां पे ये क्रैश हुआ है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पहले तो ईरानी ऑफिशियल्स ने कोई डिस्क्लोज करने को तैयार था ही नहीं, कल शाम को ये खबर आई थी कि एक एक्सीडेंट हो गया है, हार्ड लैंडिंग हुई, क्या मालूम, कुछ मालूम नहीं कि वो महफूज है क्या नहीं। हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब की भी काफी एक स्टेटमेंट आता है वहां से, एक कंसर्न एक जताते हुए कि कंसर्न है कि भाई क्या हुआ है ईरान में, कुछ पता नहीं था किसी को। अब सुबह को आज से ये न्यूज आने लगी, हालांकि ईरान के ऑफिशियल्स ने कोई बॉडी लेके कोई कंफर्म नहीं करा है, लेकिन जिस तरीके का मलबा मिला है, इस तरीके से उन्होंने ये कहा है, जिस मलबे के तहत लगता नहीं कि इस एयर क्रैश में कोई बचा होगा। तो अब देखिए कई स्पेकुलेशन हो रहे हैं, एक हो रहा है कि आयतुल्लाह खमेनी का बेटा जो है ये उसने कराया होगा, क्योंकि ये ना स्पेकुलेशन है, किसी ने कहा कि भाई इजराइल या अमेरिका ही करा सकता है, वो भी एक स्पेकुलेशन है, ये सब स्पेकुलेशन है, कोई सबूत तो है नहीं इनका, ये सब एक कहानी है, ये सब एक कॉन्स्पिरेसी थियरीज है केवल। और फिर एक और थियरी आई कि भाई रिमोट कंट्रोल के जरिए को हैक कर दिया गया हो, और वो भी कॉन्स्पिरेसी थियरी है। तो एक्चुअल हकीकत की बात है, उसके हिसाब से मैं चलूंगा कि अब तक जो हमको जानकारी है वो ये है कि क्योंकि हिजबुल्ला ने भी आग में दिग्गी धाने काम किया, हिजबुल्ला ने बोला है कि अगर उनको कहीं से खबर लगती है कि अगर इसराइल ने किया तो वो इसराइल का नक्शा बदल देंगे, तो इस तरीके से ये स्पेकुलेशन पे जाना अभी फिलहाल बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। लेकिन हाँ, फैक्ट ये है कि एयर क्रैश हुआ है, और भलाई लोगों को नॉर्मल लगे अब नॉर्मल लगे, बहुत बड़ी खबर है ये। जी राजू भाई, ठीक है, बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं, आपने भी कोट कर दिया, रईसी की मौत पर ईरान ने इसराइल को खबरदार किया है, ईरान में सत्ता की नीतियों में कोई बदलाव नहीं होगा, ईरान की इसराइल के साथ दुश्मनी नहीं बदलने वाली, हमास और हिजबुल्ला को समर्थन देना हम बंद नहीं करेंगे, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश हमारी रुकने नहीं वाली, एटॉमिक वेपन्स बनाने की कोशिशों पर सबसे ज्यादा इसराइल की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे हैं, और इसराइल की तरफ से एतराज बहुत बड़े लेवल पर भी किया जाता रहा है, लेकिन इस घटना के बाद ईरान ने कहा है कि हमारे इसराइल के साथ संबंध या दुश्मनी जो है वो बदलने वाली नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अब तक ईरान की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया कि यह सब कुछ इसराइल का कराया हुआ है। ईरान ने यह जरूर कहा है कि हमारी दुश्मनी इसराइल के साथ नहीं बदलने वाली। ईरान ने यह जरूर कहा है कि इस सब के पीछे वो हिजबुल्ला और बाकी आतंकवादी समूह को समर्थन देना बंद नहीं करेगा। यूके देवनाथ सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, क्या माना जाए कि मुस्लिम मुल्कों से घिरा हुआ यह पूरा इलाका अब वोलेटाइल हो चुका है, और अगर आगे आने वाले दिनों में इस फाइंडिंग से कुछ और निकलता है या कुछ और इशारे मिलते हैं तो हम एक बहुत ज्यादा वोलेटाइल रीजन देखेंगे यहां पर? जी हाँ राजीव जी, इस इब्राहिम रईसी की इस दुबई एक्सीडेंट में मौत के बाद पूरे एरिया में खलबली तो है। जो स्टेबिलिटी थी वो डेफिनेटली अब थोड़ा इंस्टेबिलिटी की तरफ अग्रसर हो रही है। अच्छी बात यह है कि अभी तक इसका डायरेक्ट दोष ईरान ने ना तो अमेरिका पर मढ़ा है ना ही इसराइल पर मढ़ा है। अमेरिका भी बहुत फूक फूक पर अपने बयान दे रहा है। अमेरिका ने भी अब तक सिर्फ इतना कहा है कि उन्होंने स्थिति पर नजर रखी हुई है। जो खलबली है आज की तारीख में, क्या ये आगे बढ़कर इंस्टेबिलिटी की तरफ अग्रसर होगी? ऐसा शायद ना हो, क्योंकि ईरान की जो सरकार है अगले देखिए फिलहाल तो आज की तारीख में वो बिजी है किस तरह से
इब्राहिम रईसी के शव को वापस लाया जाए, तेहरान में अंतिम संस्कार किया जाए, फ्राइडे में बहुत बड़ा प्रेयर होगा, उसके बाद जो वहां पर ऑफिशिएटिंग जो प्रेसिडेंट है वो चुने जाएंगे, चुने क्या जाएंगे मतलब अपॉइंट किए जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट है वही अपॉइंट कर दिए जाएंगे मोहम्मद मुखबर। तो उसके बाद 50